हेलो दोस्तों, वेलकम टू केएफसी। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा चिकन ड्रमस्टिक, अब हम तैयार कर रहे हैं चिकन फिंगर केएफसी स्टाइल। इसी बचे मटेरियल में हम अब तैयार कर रहे हैं, जो कि बड़े क्रंची और नहायत मज़ेदार और स्वादिष्ट, उम्मीद आप पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमक 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, टिक्का मसाला 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, ड्राई मायोनेज 2 चम्मच, ड्राई चीजेस 2 चम्मच, कॉर्नफ्लेक्स, नींबू रस, अदरक और लहसुन कुटा हुआ, पीनट्स अंडे, मैदा और दूध। चलिए हम तैयार करते हैं इसको। दूध में मैं 4 चम्मच नींबू रस डालूंगा, इससे दूध गाढ़ा सा हो जाएगा। इसमें अदरक, लहसुन और तमाम मसाला जात जो भी मैंने आपको दिखाए थे वो मिक्स कर दूंगा। पूरी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें चिकन फिंगर, ये मैंने लंबे लंबे पीस काट लिए हैं, इस तरह के आप निकाल लें, इसमें डाल दूंगा। इसमें इसी तरह से डिप करके मिक्स करके कम से कम एक आधा घंटा तक हम रखेंगे, इसको कवर कर देंगे। अब मैं मैदा लूंगा, मैदे में कॉर्नफ्लावर के 2-3 चम्मच डालूंगा, मिक्स करूंगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं अंडों में, ग्राइंड अंडों में तमाम पीसेस जो डिप किए हुए थे गोश्त के, इसमें डिप करके मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करूंगा, ताकि अच्छी तरह से मैदा उनके साथ चिपक जाए। जब मैदा अच्छी तरह से चिपक जाए तो कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर रखेंगे हम इनको। ये देखें, कॉर्नफ्लेक्स इनके साथ चिपक जाएगा अच्छी तरह से, भले आपको 2 दफा अंडों में डिप करना पड़ेगा। अब इनको फ्राई करते हैं। बहुत सादा सी और बहुत प्यारी आसान सी रेसिपी है और बाजार से उम्दा तैयार होते हैं, केएफसी से भी उम्दा आपको लगेंगे खाने में। इसको लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते जाएं ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। आपने आपका ना फ्लेम तेज नहीं करना, मीडियम रखना है। मैं इनको निकाल लूंगा जब ये फ्राई हो जाएंगे। दोस्तों, बड़े मजेदार खुशबू आ रही है इनकी। देखा दोस्तों, कितने उम्दा लग रहे हैं। बस गर्मा गर्म ट्राई करें, अगर पसंद आए तो अगला वीडियो सीरियल में चिकन पॉपकॉर्न देखें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो दोस्तों से शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।